हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज जो हम मिठाई बनाने जा रहे हैं वो बहुत बहुत बढ़िया वाली है और बहुत फास्ट बनने वाली है। तो ये हमने सबसे पहले ले लिया है फीका मावा, जो मैंने घर में ही निकाला है। आप देखिए बड़ा सॉफ्ट सा है, तो मैंने ये मॉर्निंग में ही घर में निकाला है। आधा चम्मच घी डालकर हमने इसको भूनने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। थोड़ा गीला है, थोड़ा मैं इसको सख्त करूंगी हल्का सा, तो लेकिन हम मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। और देखिए ये थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है। देखिए आप, जो ये पतला था ना उसकी वजह से थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया। हम इसको और थोड़ा सा थिक करेंगे और फिर इसको ठंडा होने के इंतजार करेंगे। ये देखिए पैन चूकने लग गया ना, देखिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए ये खड्डा होना शुरू हो गया है, यानी ये बिल्कुल भुन गया है। अब ये चिपक नहीं रहा है, आपको पहले और अब में भी फर्क नजर आ रहा होगा ना। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। देखिए कितने बढ़िया से ये भुन गया है। हम गैस को करते हैं ऑफ और इसको ठंडा होने देते हैं। अब आप देखिए ये जो मावा बहुत गीला था ना, ये कितना ऐसे हो गया सख्त ठंडा होने के बाद। तो हमें इसे थोड़ा सा ठंडा करना है और फिर जैसे ये जो देसी बूरा आती है ना, देसी खांड, वो मिलाइए। अगर वो नहीं है ना तो आप पिसी हुई चीनी इसमें मिला सकते हैं। तो हम बहुत कम इंग्रेडिएंट से ही बनाने वाले हैं। थोड़ा ये खोपरा है, डेसिकेटेड कोकोनट, जो कोकोनट का बुरादा आता है। कुछ ये चेरीज ली हैं मैंने, ताकि जो टेस्ट के साथ साथ हमारी जो मिठाई है वो अट्रैक्टिव भी लगे, मतलब देखकर खाने में सुंदर लगे और खाने को जी लल जाए। अब मैं इसमें ना अंदाजे से डाल दी हूँ, आप इसको टेस्ट करके देख लें कितना मीठा इसमें आपको चाहिए। तो इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब ये देखिए मिक्स करने के बाद ना ये कुछ ऐसा हो गया है, हल्का सा, जब गर्म हो ना बिल्कुल हल्का सा, तभी आप इसमें ये पाउडर शुगर या ये देसी बूरा मिला लीजिए। और देखिए ये घर का बना हुआ मावा है, हाई फ्लेम पर हमने इसको कुक किया है। आप चाहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी डाल दूंगी, तो इसके जैसा ना कोई बात ही नहीं है। इसमें मैं केवल एक टेबल स्पून ये डेसिकेटेड कोकोनट डालूंगी। इससे आप अगर बाजार में मिलावटी मिठाइयां हैं ना, उससे भी बच जाएंगे। और ये इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, क्योंकि हम मावे से बना रहे हैं और इसमें हम दूध वगैरह कुछ नहीं मिला रहे हैं। और फिर आपको 2-3 दिन में ही कंज्यूम करनी होती है मिठाई, जो है वो ज्यादा बासी अच्छी नहीं लगती। पर अपने हाथ की बनी अगर आप किसी को खिलाएंगे ना तो वो बहुत टेस्टी लगेगी। अब हम इसको ऐसे निकालेंगे और ये हमारे पास मोल्ड है, हम इसमें ये ऐसे प्रेस करेंगे, जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा। इस तरह से कर लेंगे और इसको अब हम निकाल लेंगे हल्के हाथ से ऐसे प्रेस करते हुए ना। और जो ये शेप आएगी ना बहुत सुंदर आएगी, देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा। तो इसको हम साइड में रख लेंगे और ऐसे ही हम दूसरा बनाएंगे इसको। मैं आपको कई तरह की मिठाई सिखाऊंगी जो बहुत आसानी से बन जाती हैं। इसको ऐसे प्रेस करेंगे, एक्स्ट्रा इसका निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा जो भी ये मिश्रण है इसको निकाल लेंगे। दोनों तरफ से इसको प्रेस करेंगे ताकि वो जो है अच्छे से शेप इसकी आ जाए। और इसको चारों तरफ से हल्के से प्रेस करते हो, पर अंदर ना इसके हल्का सा घी लगा लें या ऑयल लगा लें तो ये बहुत आसानी से ना निकल जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा अगर क्रैक है तो आप हल्का सा ऐसे नीचे से दबा दें, देखिए लग रहा है ना सुंदर। तो इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाते हैं और आपसे मिलते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह के ये बन गए हैं। और इससे क्या है, मोल्ड से बनाने से ना साइज बिल्कुल परफेक्ट और एक सा आता है। तो अब हमने इसको ऐसे उंगली से ऐसे थोड़ा सा गड्ढा किया है
और इसमें ये चेरी जो है ना वो लगा देंगे। देखिए कितना सुंदर ये बन जाएगा, चार चांद लग गए हैं इसमें, जो भी देखेगा वो जरूर लाइक करेगा। लग रहा है ना सुंदर? तो इस तरह से हम इसमें लगाएंगे ये सारी चेरीज। उंगली से ना भी प्रेस करें, आप डायरेक्ट चेरी से ऐसे प्रेस कर दें तो ये बहुत बहुत सुंदर लगने वाला है। इसकी करते हैं हम प्लेटिंग, और बच्चे तो जरूर ये चेरी निकाल के खा जाएंगे। लग रही है ना बढ़िया? तो ये देखिए है ना यम्मी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।